यहाँ पे हमने अभी जो प्रेजेंटेशन डिस्कस की है उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लिया कि इन्वायरमेंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दी, देन उसकी प्रेजेंटेशन दी, फिर एक चार्ट बनाया जिसमें इन्वायरमेंट, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, फिर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, लिविंग में, फिर नॉन में जैसे सोइल है, वाटर है, हीट है, लाइट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देन फॉर्मेटिव क्वेश्चन, व्हाट आर मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बारे में हम डिस्कशन की, फिर उनके जो मेजर एडिंग्स हैं जैसे प्रोड्यूसर्स क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स है, ये एक एग्जाम्पल ली हुई हमने प्रेजेंटेशन की। सेम उसी एग्जाम्पल को हमने इस्तेहार को उर्दू में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, इसको स्टडी कर लीजिए, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान 8 एंड 9, ए है रिकैप्चुलेशन एंड 9 है होमवर्क। रिकैप्चुलेशन क्या आती है, रिकैप्चुलेशन विल बी कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द लेसन, इट विल बी हेल्पफुल टू इन्फॉर्म टीचर अबाउट हाउ मच ही शी इज सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। इट कैन बी सम क्वेश्चन आंसर और क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। कैस डिटेल डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल इन दिस प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। होमवर्क क्या है, द स्टूडेंट मे बी असाइंड ब्रीफ बट इंटरेस्टिंग होमवर्क फॉर प्रैक्टिसिंग द लेसन ऑफ द डे इन मोर डिटेल। अब रिकैप्चुलेशन क्या है कि हम एक समरी वगैरह दे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि आज के जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं या नहीं, बच्चों को हमारी बात समझ आई है या नहीं, उनकी लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट हुए हैं, फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। रिकैप्चुलेशन हमने डिस्कस किया कि हम लेक्चर के एंड में क्वेश्चन आंसर करके फीडबैक ले लेंगे बच्चों से, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो गए हैं या नहीं, और सबको समझ आ गई है हमारी बात या नहीं है, जिसको कोई क्यूरी या कोई मसला, कोई इशू होगा वो हम उसी टाइम ही रिजोल्व कर लेंगे। देन होमवर्क, होमवर्क में क्या करना है, हमने एट द एंड में ऐसा इंटरेस्टिंग होमवर्क देना है कि जो उस लेसन प्लान जो हमने उस दिन पढ़ाया है उसके मुताबिक कोई इंटरेस्टिंग से प्रैक्टिस करने की दे दें, ताकि उनका इंटरेस्ट के मुताबिक हम उन्हें होमवर्क दें और वो काम करके आए। एक एग्जाम्पल हमने देखी, रिव्यू लिया, रिव्यू जैसे हमने जो भी सारा डिस्कस किया था उससे रिलेटेड के व्हाट बेनिफिट वी गेट फ्रॉम प्लान्स, आवर चिल्ड्रन टू राइट इट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड व्हेन दे स्पीक अबाउट इट, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए। व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देन रिकैप्चुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, आप ऐसे क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो आपको फीडबैक देंगे, आंसर्स करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने जो आज का लेक्चर डिलीवर किया है उसके बाद वो इस काबिल हुए हैं कि वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे सके या नहीं। देन गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, ये आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके फीडबैक आएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। आर वी आल्सो इंक्लूडेड इन नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्या हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से, ये भी जब क्वेश्चन करेंगे बच्चों से तो वो आपको लिविंग, नॉन लिविंग और एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड आंसर प्रोवाइड कर देंगे इस टॉपिक। फोर्थ, इज ह्यूमन बीइंग अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, हु आर द प्रोड्यूसर, व्हाट डू दे डू, इसी तरह के मजीद क्वेश्चन करके बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। होमवर्क से रिलेटेड, अरेंज फॉलोइंग लिविंग थिंग्स इन द सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, लाइन, गोट, रैबिट, ऑल ग्रीन प्लांट, देन राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ लाइट एंड हीट फ्रॉम सन, व्हाट बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी ग्रो मोर प्लांट्स। तो ये आपने एग्जांपल्स देखी, ये अभी जो हमने डिस्कस किया है रिकैप्चुलेशन और होमवर्क से रिलेटेड, जो हम एक ही लेसन प्लान के एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, उम्मीद है ये आप सबको क्लियर होगी। ये उसका उर्दू का खाका आधा और तफोजेकार। लेसन प्लान एंड फॉलो अप, सबसे पहले कंसीडर टारगेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉपिक एरिया, देन एस्टिमेट रेलेवेंट एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ लर्नर्स, देन फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग आउटकम्स, देन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, देन ऑपरेट कोर्स और करिकुलम, देन असेस एंड इवेल्यूएट। ये आपका लेसन प्लान और फॉलो अप है। आपको रिकैप दे रहे हो, सबसे पहले आपने टारगेट पॉपुलेशन, आपने ऑब्जेक्टिव्स फाइनल करने होते हैं, फिर आपने देखना उस
क्वेश्चंस करके कि प्रीवियस आपकी नॉलेज क्या है इनके पास, देन आपने ऑब्जेक्टिव्स की आपके जो मेथडोलॉजीज है, जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव जनरल और स्पेसिफिक क्या है, उसके बाद आपने टीचिंग मेथड यूज करते हुए अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड उसे डिलीवर करना है जो आपका कंटेंट होगा करिकुलम का, देन लास्ट में आपने उसे असेस और इवेल्युएट करना है, देन ये प्रोसेस अगेन रिपीट होता चला चलता है। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर अ लेसन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, क्लियर एंड मेजरेबल लेसन ऑब्जेक्टिव्स एंड लिंक टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर सब्जेक्ट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जिसमें आपने क्या करना है, आपने अपने लेसन की इंट्रोडक्शन देनी है, अगेन एवी एड्स टीचिंग मेथड प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन रिकैप्चुलेशन टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक फॉर अ लेसन, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन क्या है, लेसन के इंट्रोडक्शन रेलेवेंट टॉपिक और स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एवी एड्स अप्रोप्रिएट जो लेवल ऑफ स्टूडेंट के मुताबिक एवी एड्स आप यूज कर सकते हैं वो यूज करनी है, टीचिंग मेथड आपकी क्लास के मुताबिक उसकी साइज उसके लेवल के मुताबिक जो सा मेथड रहेगा वो आपने मेथड यूज करना है, प्रेजेंटेशन आपने स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर को जनरल और उसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चला जाना है, रिकैप्चुलेशन एट द एंड आपने क्वेश्चन आंसर करके देखना है कि बच्चों को आपके जो ऑब्जेक्टिव थे लेसन के वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, फिर टाइम मैनेजमेंट आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए जो टाइम मिलता है 1 hour 2 hour 45 minutes 30 minutes 20 minutes जो भी एलोकेटेड टाइम होगा उसी टाइम के अंदर ही आपने अपने लेसन प्लान को फुलफिल करना है उसके जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, फिर कॉन्फिडेंस के लिए आपने कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेनिंग टीचर ड्यूरिंग लेसन प्रेजेंटेशन आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम नोट करना है और उसका कॉन्फिडेंस क्या आपको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे एक आपको ट्रिक और टिप देता चलूँ कि जितना अच्छी तरह से आपने प्लान किया होगा जितना अच्छी तरह से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। देन इंटरेक्शन विद ऑडियंस और स्टूडेंट, ट्रेनी टीचर हैज इंटरेक्ट विद ऑडियंस स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज आर प्रेजेंटेशन, आप किस तरह से प्रेजेंट करें किस तरह से आपकी इंट्रैक्शन है कि आपकी वोकल ट्यून कम्युनिकेशन वॉइस आई और स्टैंडिंग एवरीथिंग जो मिला के वो आपका ये सारा असेसमेंट और फीडबैक का पार्ट बन जाएगा। क्या करना है आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, गुड लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्टिंग लेसन टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट, As a new teacher, you must be committed to spend necessary time on this task. क्या करना आपने practice, practice and practice. अगर आपने अच्छी planning करनी है तो आपको उसके सारे process को अच्छी तरह सीखना है और पढ़ाना है और time manage करना है और मेहनत करनी है. जितनी ज्यादा practice करेंगे जितनी ज्यादा मेहनत और effort करेंगे आप उतने ज्यादा अच्छे teacher बन पाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स वो फिलफिल हो गए हैं, हमने जो आज डिस्कस किया है उसको हम रिकैप करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाएगा। हमने आज डिस्कस किया है टीचिंग प्रैक्टिस 2 में कोर्स कोड 862 में कि हमने टीचिंग प्रैक्टिस किस तरह से करनी है उससे रिलेटेड बुकलेट किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं और हमारे जो आउटलाइन थे सेशन के वो क्या होंगे, जैसे हमने कोर्स के ऑब्जेक्टिव स्टडी किए, कोर्स के जो हमारा कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान क्या है, फिर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट एंड फीडबैक क्या है, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग मेथड एवीएट क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, इसमें कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटेल में स्टडी किए आज, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स जिसमें वर्कशॉप टीचिंग प्रैक्टिस और टू फाइनल और मार्क्स देखे 100 marks किस तरह डिवाइड है, वर्कशॉप 15 number टीचिंग प्रैक्टिस 25 और फाइनल लेसन 60 marks का, फिर मेन कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान हमने देखे जिसमें लेसन ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन लर्निंग रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है प्रेजेंटेशन और रिकैप्चुलेशन, देन डिटेल ऑफ कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान जिसमें प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, फिर हमने खाके देखी उर्दू इंग्लिश में, फिर उसके फर्दर कंपोनेंट टीचिंग मेथड एवीएट प्रीवियस नॉलेज टेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर उसके खाके देखी उर्दू इंग्लिश में, देन प्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे उसकी फिर एग्जाम्पल देखी हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों खाकों में, फिर हमने
रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क।